आज बहुत ठंड है, कड़ाके वाले बाहर इतना ज़्यादा कोहरा छाया हुआ था मानो पूरे बालकोनी में ही शीत पर के पता लग रहा था कि पूरे भींग गए थे। और मैं सुबह सुबह आप सभी के साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। और देखिए सुबह वाले नज़ारे मेरे यहाँ से किस तरह दिखते हैं, तो ये विंडो से दिख रहे हैं और इधर भी इस तरह से चारों तरफ कुहासे भरे हुए हैं। तो फ्रेंड्स आज है 1 जनवरी, सो 2023 1 जनवरी है। हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। तो चलिए आज बनाते हैं कुछ चटपटे। तो यहाँ पे गोभी ले रखी हूँ, इसे अच्छे से काट लेना है, धुल लेना है और मैं बनाऊंगी इसका आलू और गोभी का सब्जी यानी आलूदम, इसे बनाना है। तो इसी तरह से आलू को बीच से काटते हुए और इसे अच्छी तरह से भून लूंगी। और यहाँ पर मैं सबसे पहले गोभी को भून चुकी हूँ और उसे प्लेट में निकाल चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स मसाला बनाने के लिए इस तरह से करते हैं, जैसे थोड़ा सा धनिया ले लिया और मिर्ची तेजपत्ता वगैरह, तो इसी तरह से भून लेना है और उसके बाद पीस लेंगे। तो यहाँ पे हल्के भुनना है और देखिए इस तरह भुन गए, तो इसमें थोड़ा सा गार्लिक और थोड़ा सा जिंजर डालेंगे, गोल मिर्च और जीरा डाल के इसे पीस लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं सुबह सुबह इसी तरह खाना बना रही हूँ, तो फटाफट बनाऊँगी और उसके बाद घर के सारे काम पड़े हुए हैं वो भी करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा आलू बनके तैयार हो गया है सब्जी। तो अब चलिए अब बनाते हैं पुआ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैदा को अच्छी तरह से चाल चुकी हूँ और उसके बाद मैं सूजी भी ऐड कर रखी हूँ, चीनी भी डाल चुकी हूँ। तो इसमें पानी के जगह पे मैं यहाँ पे दूध से घोल लूँगी ताकि पुआ में अच्छा सा स्वाद आ जाए। तो इन्हें अच्छी तरह से फेंट लेना है फ्रेंड्स, और फेंट के इन्हें कम से कम 10-15 मिनट के लिए आप रख दीजिए। बेटर ज़्यादा इनका थिक भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा पतले भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे नारियल को कद्दूकस कर लिया है और उसमें ऐड कर चुकी हूँ। अब यहाँ पे मेरा आधा घंटा हो चुका है, तो तेल गर्म हो चुके थे। अब यहाँ मैं पुए को बना रखी हूँ और बारी बारी से बनाऊँगी क्योंकि आज पुआ बनाना है, तो फटाफट मैं बना दूँगी। और तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं स्नान कर चुकी हूँ और पूजा पाठ जो भी करना था वो हो चुका है। सारे घर को मैं क्लीन कर चुकी थी जब पुआ का बेटर मैं बनाई थी, तो इन्हें रेस्ट करने के लिए मैं रखी थी। तब तक मेरा सारा काम हो चुका, स्नान वगैरह मैं कर ली, उसके बाद ही मैं पुआ को बनाने के लिए बैठी हूँ क्योंकि पुआ बनाने में टाइम लगता है। इसके कारण सारा काम भी हो गया और मैं आराम से अब पुए बनाऊँगी, तो गर्म गर्म पुए के साथ, और बच्चे सब खाने के लिए बैठ जाएंगे। तो इसी तरह बनाना होता है क्योंकि जब तक मैं पुए बनाती उसके बाद स्नान करती तो काफ़ी टाइम भी लग जाते और पुए बनाने में बहुत टाइम लगते हैं। तो अगर आप चाहिए तो एक एक पुआ इस तरह बना सकते हो, नहीं तो ढेर सारे पुआ एक साथ बनते हैं तो उनके लिए एक साँचा आता है पुआ बनाने वाले, तो वो है मेरे पास, मैं उसी ज़्यादातर बनाती हूँ पर आज इसी तरह बना रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। रियली होप मेरे सारे फ्रेंड्स अच्छे होंगे। तो आज नया साल आ गया है फ्रेंड्स, यानी हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। और आप लोग बताइए आप लोग नए साल में किस तरह एंजॉय किए। सो आप लोग हमें प्यार प्यार कमेंट करके ज़रूर बताना, और मैं बहुत अच्छे से नया साल एंजॉय की। सो फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और प्यारे प्यारे कमेंट करके हमें ज़रूर कर। तो फ्रेंड्स ये हो रहा है नए साल में मस्ती, हम लोग अंडे वाले बना रहे हैं। तो इसे सबसे पहले फ्राई करना है, उसके बाद हम यहाँ पे बेसन में कुछ मिक्स नॉर्मल मसाला होता है उसे मिक्स कर चुके हैं और इसमें
फेंट के फिर से इसे तलेंगे तो इस तरह से बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप भी इसे ट्राई करना, बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज इसी तरह से हम लोग अपने ही छत पे एक होममेड चूल्हा बनाया, यानी ईंटा के चूल्हा बनाया है और उसी पे लकड़ी से बनाई हूँ। आज का नया साल में कुछ अलग करने का मन था, सो इसी तरह से हम लोग पूरे दिन एंजॉय किए हैं। तो चलिए आपको मैं वो क्लिप भी दिखाऊंगी, पर यहाँ पे देख लीजिए इस तरह से अंडे वाला फ्राई करते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और मैं बारी बारी से सारे अंडे को इस तरह फ्राई कर चुकी हूँ। यहाँ पर प्लेट में चार अंडे बचे हुए हैं, पांच अंडे तो इन्हें फिर से मैं डाल दूंगी और ये हल्के ब्राउन हो जाएंगे तब इन्हें निकालेंगे और गर्म गर्म सर्व करेंगे तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं इस तरह से। और साथ में हम लोगों ने आज मछली बनाया है, तो चलिए मछली को मैं मसाला वगैरह सब सौन के रख चुकी थी। जब मेरा अंडा फ्राई हो गया तो मैं दूसरे तेल में इसे फिर से फ्राई कर रही हूँ उसी वाले कढ़ाई में। तो चलिए फ्रेंड्स, नॉनवेज हमारे यहाँ अलग बनते हैं तो कोई बैड कमेंट मत करना क्योंकि हम लोग नॉनवेज अलग बनाते हैं। और देखिए मैं छत पे इसी तरह से ईंटे वाले चूल्हे बनाई हूँ और बहुत ही मस्ती सब बच्चे के साथ करते हुए हम लोग यहाँ पे खाना बनाए और बहुत अच्छे से बन के रेडी हुआ और नया साल इसी तरह हमारा रहा। तो देखिए हम मछली यहाँ पे तल रहे हैं, फिर मसाले वगैरह होंगे उसे मैं भून भान के फिर इसमें ग्रेवी लगाऊंगी। तो इसी तरह नया साल एंजॉय किए हम लोगों ने। जाने का मन था कि चले कहीं राजगीर घूम के आते हैं, पर इतना ज़्यादा ठंड था और कुहासा भी बहुत ज़्यादा था फ्रेंड्स। और देखिए ये मेरा गांव का व्यू है, तो अगले बार कहीं जाऊंगी घूमने तो आप सभी को दिखाऊंगी उसका सीन। तो आज इसी तरह से, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और मेरे वीडियो को फुल वॉच करना फ्रेंड्स। और यहाँ पे देखिए मेरा मसाला भुन गया है, तो यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका ग्रेवी जब तक एक उबाल आ जाए तब सारे मछलियाँ को जो भी मैं भून के रखी हूँ उसे यहाँ पे मैं डाल दूँगी। और बहुत ही अच्छे टेस्टी मछली बन के रेडी हुए थे। सो फ्रेंड्स, तो हम लोग नए साल इस तरह से मनाए फर्स्ट वाले दिन। और आप लोग भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि आप लोग नए साल फर्स्ट वाले दिन क्या क्या किए। सो आपका कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। और अगर मेरा वीडियो देखना आपको पसंद है तो प्लीज़ मेरा वीडियो फुल देखिएगा, यानी पूरा देखिएगा। और मैं अगले वीडियो बहुत छोटे छोटे और अच्छे अच्छे अपलोड करूँगी। सो फ्रेंड्स, अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और प्यारे प्यारे कमेंट करके आप मुझे मोटिवेट करना ताकि मैं अच्छे अच्छे वीडियो आप सभी के साथ शेयर कर सकूं। और फ्रेंड्स, आज मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करने जा रही हूं, तो मिलूंगी अगले ब्लॉग में अगले रेसिपी के साथ।